राम राम आप सभी को। स्वागत है आपका हलवाई साहब चैनल में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देवे। आज मैं अपने दोस्त के घर पे आया तो उसने बोला कुछ आलू और ब्रेड से भाई चटपटा बना दे, तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो मैंने सबसे पहले लिया आलू और उनको अच्छी तरीके से धो लिया, और अच्छे से आलू धो लेना है, साफ एकदम क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम आलू को छील लेंगे और हम ऐसे सारे आलूओं को छील लेंगे। फिर हम उस आलू के दो कटिंग करेंगे छीलने के बाद, और आलू को बॉईल करने के लिए गर्म पानी एक टोपे में डालकर तैयार करेंगे। फिर हम एक चम्मच नमक डालेंगे ताकि हमारे आलू जल्दी बॉईल हो जाए, और फिर हम सारे आलू उस पानी में ऐड कर देंगे या डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम उस पे ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने से आलू जल्दी बॉईल हो जाएंगे, और 15-20 मिनट तक उनको बॉईल करना है जिससे वो अच्छे से बॉईल हो जाए, कच्चे ना रहे। बॉईल होने के बाद हम उनको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकलने के बाद ठंडा होने के बाद उनका आलूओं का अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनने के बाद हम कुछ हरी मिर्च और कुछ प्याज लेंगे और उनकी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। उनकी कटिंग करने के बाद हम लेंगे अदरक थोड़ी सी और उसको अच्छे से कटिंग करके पेस्ट बना लेंगे अदरक का। अदरक से हमारे डिश का स्वाद और ज़्यादा बन जाएगा। फिर हम आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और कटिंग किए हुए प्याज, कटिंग की हुई हरी मिर्च, और थोड़ी सी पेस्ट की हुई अदरक डालकर हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। सबको मिक्स कर लेंगे और कुछ इस प्रकार मिक्स हो जाएगा हमारा मसाला। फिर हम डालेंगे उसमें टमाटर सॉस और उसके बाद उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच काला नमक जिससे मसाले का स्वाद और अच्छा होगा, और फिर हम मसाले की छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। कुछ इसी प्रकार हमें मसाले की सारी गोलियां बनाकर तैयार करना है। और उसके बाद हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड लेने के बाद हम ब्रेड को साइड से कटिंग कर देंगे, और ब्रेड साइड से कटिंग करने के बाद हम थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा पानी में उसको भिगो के, ज़्यादा नहीं भिगोना, थोड़ा सा भिगो के सोख लेंगे, और फिर हम उसके बाद जो मसाले की गोलियां बनाएंगे उसको ब्रेड के अंदर कवर कर लेंगे। ब्रेड के अंदर कुछ इस प्रकार मसाले की गोली को कवर करना है, अच्छे से कवर कर लेना ताकि फ्राई करते समय ये खुले ना और कहीं से तेल में बिखर ना जाए, इसलिए अच्छे से कवर करना है कुछ इसी प्रकार। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें अच्छी क्वालिटी का तेल लेंगे और थोड़ा हल्का गर्म करेंगे, और हमें सारी गोलियों को इसी प्रकार कवर करना है। और फिर हम हल्की आंच पर इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज आंच नहीं रखनी है, मीडियम आंच पर ही, हल्की आंच पर ही उनको फ्राई करना है।
और कुछ इस प्रकार हम धीमे धीमे आंच पे इनको फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगा इसी तरह, तो हम इनको कढ़ाई से जारी की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। और देख सकते हो आप, हम सभी को इसी प्रकार फ्राई कर कर के सबको बाहर निकाल कर तैयार कर लेंगे। और ये हमारी स्वादिष्ट आलू और ब्रेड की डिश रेडी हो चुकी है। आओ आप लोग भी कभी खिलाएंगे। कमेंट करके बताना कैसी बनी हमारी डिश, और आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।